श्रीमान गुल साहब द्वारा लिखित लघु कथा हसरतों का खून। ये कहानी सिंधी भाषा से हिंदी भाषा में देवी नागरानी जी द्वारा अनुवादित की गई है। रात के मौन सन्नाटे में बड़े से घर के एक अंधकारपूर्ण कमरे में से निरंतर एक बूढ़े शख्स के खांसने की आवाज आ रही है। उसका बेटा एयर कंडीशन कमरे में अपनी घरवाली के आगोश में सोया हुआ है, अपने पिता की नासाज तबीयत की जानकारी के बावजूद। बूढ़ा शख्स निरंतर खांसे जा रहा था। स्टोर रूम से नौकरानी उठकर आई, कमरे की बत्ती जलाकर उसे पानी का गिलास भरकर पिलाया। बाबा आपने दवा का डोज दिया है? बूढ़े ने अपनी गर्दन हाँ के इशारे से हिला दी। उसकी आंखों में पानी भर आया और उसका शरीर कांप रहा था। कराहती हुई आवाज में पूछा, बेटी असद आया है? हाँ बाबा, असद साहब और बेगम साहिबा कमरे में है। बूढ़ा फिर खांसने लगा। अब उसकी यह खांसी पानी का घूंट पीने से कम होने वाली न थी। उस दाइमी खांसी ने शरीर को एक खोखला पिंजर बनाकर रख दिया था, जिसमें उसकी सांसें किसी कमजोर और मजबूर पंछी की तरह कैद होकर रह गई थी। मस्जिद से उसलवा खैरमन नौम की आवाज बुलंद हुई। घर के पिछवाड़े वाले पेड़ पर से चिड़ियों की चू चू, कौओं की काका और दूसरे पक्षियों ने अपनी अपनी भाषाओं में बोलना शुरू किया और हर रात की तरह एक रात और भी गुजर गई। असद सुबह होने पर उठते ही ऑफिस की तैयारी में लग गए। पैंट शर्ट टाई और फिर कोट पहनकर नाश्ते के लिए टेबल पर बैठते हुए बड़े प्यार से घरवाली को आवाज दी, बेगम प्लीज जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है। बेगम अपने गीले बाल कंधों पर बिखेरते हुए जल्दी आकर असद के पास वाली कुर्सी पर बैठी। पहला निवाला अपने हाथ से बेगम को खिलाकर नाश्ता शुरू किया। असद बेटा, असद, पिता की आवाज उसकी सुनने की शक्तियों से टकराती है, पर सुनी अनसुनी करते हुए घरवाली के साथ बातचीत करने में व्यस्त हो गया। नौकरानी ने उसका ब्रीफकेस गाड़ी में रख दिया। असद ने घर से निकलते निकलते आखिरी बार आईने में देखते हुए अपनी टाई ठीक की और आकर ठंडी गाड़ी में बैठा। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। पहले फर्स्ट गियर, फिर दूसरे और तीसरे के बाद चौथे गियर में गाड़ी चौड़े रास्ते पर दौड़ने लगी। कोट की भीतरी जेब में रखा मोबाइल पहले वाइब्रेट हुआ और फिर बजने लगा। हेलो साईं, असद साहब जी बात कर रहा हूँ। इरफान साहब के पिता रात गुजर गए हैं, आज 12 बजे उनकी विदाई होगी। ठीक है, असद ने मोबाइल को सीट पर रख दिया। यह खबर सुनकर वह अपने पिता के बारे में सोचने लगा। उसे अपने पिता की हर एक बात में हस्तक्षेप करना, बिना पूछे मशवरा देना, बात बात में टोकना, पूछना और उसकी घरवाली की आज़ादी पर ऐतराज करना, उसे रोकने वाला अंदाज बेहद गुस्सा दिलाता है। ऐसी बातों की वजह से उसने अपने पिता को घर में पड़ी किसी पुरानी और बेजान चीज की तरह रखकर भुला दिया। असद अपने ओहदे के नशे और पत्नी की खुशामद करने वाले रवैये से पिता को पल पल तकलीफ पहुंचाने वाली यातनाएं देता, उसकी हसरतों का खून करता। बेपनाह बीमारियों से घिरा उसका बूढ़ा बाप जिंदगी की तपती सहरा में किसी लावारिस की तरह भटक रहा था। असद सूरज ढलने के कुछ पहले घर पहुंचा। पिता के खांसने की आवाज आई। असद, असद की पुकार सुनी। एक पल के लिए उसे ख्याल आया कि उस अंधकार कर कमरे में जाऊं और पिता को देखूं, पर उसने ऐसा नहीं किया और तेजी से कदम बढ़ाकर अपने ठंडे कमरे की ओर बढ़ा, जहां उसकी घरवाली चौड़े बिस्तर पर लेटी किसी सहेली के साथ हंस हंस कर फोन पर बात कर रही थी। असद का पिता आज अपने बीते हुए कल की यादों के पन्ने पलटते भीतर ही भीतर दुखी हो रहा था। आंसुओं का सैलाब आंखों के बांध तोड़कर बहने लगा। उसे याद आ रहा था
जब असद की पैदाइश के लिए मन्नतें मांगी थी, फिर धीरे धीरे उसे बड़ा होते देख दिल ही दिल में सपने संजोए थे अच्छी शिक्षा देने के और उसे ऊंचे पद पर देने के। वह खुद तो सरकारी ऑफिस में एक अदना नौकर था, पर इकलौते बेटे की आशाओं की पूर्ति के लिए खूब परिश्रम किया। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बाद विज्ञान विद्यालय और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक उसकी शिक्षा का खर्च ऑफिस में ओवर टाइम करके पूरा किया। खुद तो पुराने कपड़े पहनकर गुजारा करता था, पर असद को नई पोशाक जरूर सिला कर देता। असद की माँ के गुजर जाने के बाद उसने ही माँ और बाप का प्यार लिया। बचपन में जब असद उनसे एक ही सवाल 10 बार पूछता था तो वह उसे 10 बार ही जवाब दिया करता था। उसे कंधे पर बिठाकर घर के आंगन में घुमाता, उसके गाल बाहों और हाथों को चूमता था। बीमार होता तो वह अपने खाने पीने की ओर से लापरवाह होकर उसका सिर दबाता, उसे आराम पहुंचाने की कोशिश करता, उसकी सेहत के लिए दुआएं मांगता। असद जब इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर घर लौटा तो उसकी अमीर सहपाठिनी का उसके लिए रिश्ता आया था। उसने तो इनकार किया, पर असद की जिद और खुशी की खातिर वह रिश्ता भी मंजूर किया। उसे क्या खबर थी कि इस नए रिश्ते के कारण असद अपने सभी रिश्ते भुला देगा। उसी अमीरजादी की सिफारिश से ही उसे तब अच्छी कंपनी में अच्छे अहदे पर नौकरी मिली। अब उसे वे सभी बीते पल किसी पुराने पढ़े हुए पाठ की तरह याद न रहे और उनको दूसरी बार फिर उलट कर पढ़ने की जरूरत उसने कभी नहीं पड़ी। बूढ़ा दिल ही दिल में असद के बाप बनने की दुआएं मांगता रहा। उसे अचानक हिचकी पर हिचकी आने लगी। नौकर और नौकरानी हिचकियों की आवाज पर उस कमरे में आए। उसकी बिगड़ती हालत देखकर असद के कमरे के दरवाजे को जोर जोर से थपथपाने लगे। वहां बूढ़ा बाप हिचकियों के साथ साथ असद असद ही कहे जा रहा था। कमरे के भीतर से बेगम साहिबा की आवाज आती है, असद बाथरूम में है, शोर न मचाओ, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। बूढ़े ने आखिरी हिचकी ली और उसकी जबान से अस अस निकलकर भी न निकल पाया। उस समय उसके शरीर से उसकी रूह किसी परिंदे की तरह फड़फड़ाती परवाज कर गई। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।